दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हमें कोई भी थ्योरी बनानी है तो हमेशा डायरेक्टर के विजन को जानना होगा, तभी हम उस हिसाब से थ्योरी बना सकते हैं। और जैसा कि हमने दोनों ट्रेलर और सभी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में देखा है कि डायरेक्टर साहब ने हमारी एंशियंट हिस्ट्री और पुरानों को काफी स्टडी करके ही ये फिल्म बनाई है। कल की 2898 AD के ऊपर बने हर वीडियो में हमने भी पुरानों के हर रेफरेंस को डिस्कस किया है। लेकिन कुछ दिन से देख रहा हूँ यूट्यूब पे थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। जो लोग MCU की थ्योरीज बना रहे थे या सालार KGF से कैसे कनेक्टेड है ये बताने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, वो अब कल की 2898 AD फिल्म के ऊपर भी थ्योरीज बना रहे हैं, जो कि दिख रहा है सरासर ऊपर से बनाई हुई है बिना कोई रिसर्च के। शायद उन्हें लगता है कि इधर उधर से कोई 2-3 हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी मिक्स कर दो, बन गई एक थ्योरी। बस इसी में सब लगे हुए हैं, सब ऊपर से चल रहा है, सब ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है। उसमें से पर्टिकुलरली एक थ्योरी बहुत लोग प्रूव करने में जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि भैरवा ही कल्कि है। लेकिन आज मैं ये साबित करूंगा कि पुरानों के अनुसार भैरवा कल्कि नहीं हो सकते, और इसके कुछ प्रूफ्स और रेफरेंसेस भी दूंगा। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेलर के बाद मुझे भी ये लग रहा था कि समहाउ भैरवा ही भगवान कल्कि हो सकते हैं, क्योंकि वैसे हिंट्स भी मिल रहे थे। जैसे यहाँ भैरवा भगवान विष्णु जी के सिग्नेचर पोज में बैठा है, फिर भैरवा का ये डायलॉग, रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, ये भी भगवान विष्णु जी की ओर ही पॉइंट आउट कर रहा है। भगवान विष्णु जी भी अपने हर अवतार में हर जंग जीते हैं, कभी नहीं हारे। लेकिन फिर बात ये भी है कि इनका नाम है भैरवा, और नाग अश्विन जी ऐसे ही उस कैरेक्टर का नाम भैरवा नहीं रखेंगे। और भैरवा रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव जी को। यस आई नो मार्केट में बहुत वीडियोज आए है जो बता रहे है शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, और भैरवा ही कल्कि है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि विष्णु जी का हर अवतार भगवान शिव जी को पूजते आया है, फिर वो भगवान परशुराम जी हो या प्रभु श्री राम जी, सभी शिव जी को पूजते थे। तो पुराणों के अनुसार ये मानना कि शिव ही विष्णु है कहीं ना कहीं गलत है। ये तो हुआ एक। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो पुराणों के अकॉर्डिंग जहाँ ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और शिव जी डिस्ट्रक्शन, और ब्रह्मांड के इस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच विष्णु जी ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी गुड और इवल का बैलेंस करता है, उस बैलेंस को मेंटेन करने का काम विष्णु जी करते हैं। और इसलिए जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, भगवान विष्णु जी अवतार लेकर धरती पर आते हैं और सब ठीक करके चले जाते हैं। यानी शिव जी और विष्णु जी का डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो इसीलिए भी विष्णु जी के अवतार भगवान कल्कि और शिव जी के अवतार काल भैरव यानी भैरवा कभी भी एक नहीं हो सकते। फिर कुछ टाइम ट्रेवल वाली थ्योरीज भी बन रही है, जिसमें अगेन भैरवा ही भगवान कल्कि होंगे, ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये वाली टाइम मशीन वाला लफड़ा भी थ्योराइज करा जा रहा है कि प्रभास इस कल्कि बच्चा जो पैदा होगा वो प्रभास ही है, लेकिन उसको टाइम मशीन में डाल के पास्ट में भेजा जाएगा क्योंकि फ्यूचर उसके लिए सिक्योर नहीं है, इतने लोग जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए भगवान कल्कि जी को एक टाइम मशीन में डाला जाएगा, जिस वजह से वो पास्ट में जाएंगे, फिर काशी में भैरवा के रूप में बड़ा होगा और फिर वो जो पूरा कैरेक्टर की जर्नी है वो रिलीव करेगा। अगर मूवी में टाइम मशीन टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट होगा तो आई एम ऑल अप फॉर इट। मोहित भाई के लिए तो ये थ्योरी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकल है, क्योंकि अगर इस थ्योरी को ही माने तो वो बच्चा यानी भगवान कल्कि जब पैदा होंगे उसी टाइमलाइन में इस यूनिवर्स में प्रभास के रूप में ग्रोन अप कल्कि भी कुछ टाइम के लिए मौजूद होंगे। यानी प्रैक्टिकली एक ही टाइम पे दो भगवान कल्कि प्रेजेंट होंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। और तो और कल्कि पुराण में ये भी लिखा है कि भगवान कल्कि जी के जन्म के वक्त वहाँ चार चिरंजीवी मौजूद होंगे, अश्वत्थामा जी, भगवान परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास जी और आचार्य कृपाचार्य जी। और मुझे नहीं लगता कि अश्वत्थामा जी और परशुराम जी के होते हुए छोटे भगवान कल्कि जी को सेफ रहने के लिए किसी टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। फिर एक और थ्योरी भी हमारे एक यूट्यूबर भाई ने बताई थी कि कमांडर मानस सुमति के वूम पे अटैक करता है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देता है, यानी भगवान कल्कि जी को मार देता है, और अश्वत्थामा अपने मनी की शक्ति से सुमति के गर्भ में मरे हुए बच्चे की कॉन्शियसनेस को यानी भगवान कल्कि के कॉन्शियसनेस को भैरवा में ट्रांसफर करते हैं और भैरवा ही भगवान कल्कि बन जाते हैं। अब ये सुनने
सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। सबसे पहले तो ऐसे भगवान विष्णु जी के अवतार को मारना इतना आसान नहीं होगा। अब तक उनके 9 अवतारों में से सिर्फ श्री कृष्ण जी के वक्त ही इसकी नौबत आने वाली थी। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म और कंस मामा की स्टोरी पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि सब सावधानी बरतने के बावजूद भी कंस मामा श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं रोक पाए थे। तो ये कमांडर मानस किस खेत की मूली है जो साक्षात विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्कि जी का जन्म रोक दे या उन्हें माँ की कोख में ही मार दे? आई डोंट थिंक सो। चलो सिनेमैटिक लिबर्टी लेके ऐसा दिखा भी दिया तो कल्कि पुराण की बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसा वो बचपन में ही ब्रह्म संस्कार और वेद अध्ययन करेंगे, वो सब तो स्किप हो जाएगा क्योंकि भैरवा तो ऑलरेडी बड़ा है। फिर भगवान परशुराम जी बचपन से ही कल्कि जी को शास्त्र और शस्त्रों की विद्या देंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस फिल्म में नाग अश्विन जी इतनी ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेंगे। यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम पुरानों में लिखा है वैसा ही सब दिखाएंगे, थोड़ी बहुत चीजें बदल सकती है लेकिन इतनी भी नहीं। तो बात ये है कि जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था और यहाँ फिर वही बोलूंगा कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन हीरो है इस फिल्म के डायरेक्टर का विजन। इस विजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था और उन्हें ये विजन और आइडिया हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर से ही आया होगा। यू हैव वन स्टोरी ऑफ द महाभारत दैट रियली गिव्स यू द गूसबम्प्स। वी कम फ्रॉम अ कंट्री दैट इज ऑलरेडी सो रिच विद दीज टेल्स विद दीज स्टोरीज एंड सो व्हाई डोंट वी ट्राई टू मेक इट मेनस्ट्रीम रादर देन अ बिट ऑफ अ ऑफबीट सॉर्ट ऑफ अ मूवी। तो भैरवा ही भगवान कल्कि है ये खुद ही तय करके थ्योरीज बनाने से अच्छा है ये सोचना कि पुराणों के आधार से भैरवा के कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, फिल्म में उनका ऐसा क्या बड़ा पर्पस हो सकता है कि उनके कैरेक्टर के लिए प्रभास सर जैसे इतने बड़े एक्टर को लेना पड़ा। तो मेरे हिसाब से भैरवा यानी शिव जी, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि भगवान विष्णु जी अपने हर अवतार में भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और एज पर कल्कि पुराण वो अपने 10वें अवतार में यानी भगवान कल्कि जी के अवतार में भी अपने गुरु परशुराम जी के कहने पर शिव जी की आराधना करते हैं। ये सब मैंने अपने बुज्जी के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। कल्कि पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि जी भगवान शंकर जी की तपस्या करेंगे और उन्हें भगवान शंकर जी से देवदत्त नाम का घोड़ा और एक शुक नाम का तोता मिलेगा। इस तोते की एक खास बात होगी कि उसे सब पता होगा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। अब ये मेटाफोरिकली बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल्कि पुराण में लिखा गया है कि जैसे ही कलयुग का अंत करीब आएगा गंगा यमुना और सरस्वती नदियां स्वर्ग में वापस चली जाएंगी, लेकिन इसका मतलब वो सच में नहीं जाएंगी, इसका एक्चुअल मतलब है ये नदियां सूख जाएंगी। वैसे ही मे बी ये कल्कि पुराण में मेटाफोरिकली लिखा है कि ये एक तोता होगा जिसे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में पता होगा। तो हो सकता है कि एक्चुअल में वो तोता ना होके तोते जैसा बोलने वाला कोई मशीन हो और उसमें पास्ट का डेटा स्टोर हो सकता है, उसमें प्रेजेंट को एनालाइज करने की क्षमता और उस एनालिसिस से फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी हो, जो कैपेबिलिटी आई थिंक बुज्जी में हमें इस इंट्रो में देखने मिलती है। अब जी हाँ, तो वो तोता बुज्जी हो सकती है, घोड़ा बुज्जी व्हीकल हो सकती है। तो ये दोनों चीजें और एक तलवार, ये सभी चीजें भगवान कल्कि जी को हैंड ओवर करना भैरवा के कैरेक्टर का पर्पस हो सकता है। फिर हम भैरवा के भगवान काल भैरव जी के रेफरेंस के बारे में सोचें तो वो शिव जी का सबसे रौद्र रूप है और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक भी बोला जाता है। ये वही काशी है जो फिल्म में भी वर्ल्ड की आखिरी सिटी के तौर पे दिखाई गई है और जैसा कि हमें पता है इस सिटी पे सबसे बड़ी थ्रेट है ये कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेटल होना ही भैरवा का सपना है। सब लोग अश्वत्थामा जी के रिडेम्पशन आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वही भैरवा का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क हो सकता है कि जिस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए भैरवा इतना बेताब था, वही भैरवा अपनी काशी को बचाने के लिए कैसे कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट हो जाएगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब ये मेरी थ्योरी है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। तो क्या अब भी आपको लगता है भैरवा ही कल्कि है? अगर हाँ तो ठीक है, आ जाओ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी थ्योरी लेके, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।